तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले SBI Innovations NFO का, जैसे कि ये NFO कब ओपन होगा, कितना पैसा आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा, किस सेक्टर में ये फंड इन्वेस्ट करेगा, इस फंड का बेंचमार्क क्या है, ऐसे कई बेसिक पैरामीटर्स है जिसको इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। तो इसकी डिटेल्स रिसर्च करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की हेल्प लेने वाले जिसका नाम है moneymintider.com। आपको गूगल में सर्च करना है moneymintider.com। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाए म्यूचुअल फंड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज के ऊपर। यहाँ पे देखिए आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा SBI इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज फंड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे, देन आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ स्कीम, तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी टाइप की स्कीम है। इस स्कीम का जो बेंचमार्क रहने वाला है वो Nifty 500 TRA रहने वाला है। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस इंडेक्स ने अभी तक कितने रिटर्न दिए और इसी से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हमें भी कुछ इस तरीके के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बट उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो भी हम इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं उस फंड का फंड मैनेजर किस कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं और कैसे हमारा पैसा यहाँ पे ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सभी सेक्टर दिए गए जिसके अंदर ऑटोमोबाइल आएगा पहला, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हाइब्रिड व्हीकल्स। तो इस सेगमेंट के अंदर जितनी भी कंपनियां रहेगी उसके अंदर का पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। सेकंड यहाँ पे कंपनी के प्रायोरिटी रहेगी फाइनेंशियल सर्विस। अगला सेगमेंट आता है एनर्जीज का, उसके साथ ही जो कंजप्शंस के अंदर काम कर रहे हैं जैसे क्विक कॉमर्स, इस टाइप के इनोवेशंस के ऊपर कंपनी काम करे उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनियां रहेगी उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही जो टेक्नोलॉजीज कंपनियां रहती है जैसे कोई क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर काम कर रहा है वहां पैसा खर्चा किया जाएगा। अगर कोई कंपनियां AI रिलेटेड काम कर रही है उसके अंदर पैसा खर्चा किया जाएगा। इसके साथ ही जो कंपनियां डाटा सेंटर्स के अंदर काम कर रही है, अभी हमारे देश के अंदर भी काफी बड़े बड़े डाटा सेंटर बनने वाले हैं। आपको आने वाले टाइम में अडानी की एक कंपनी भी आपको इस सेगमेंट के अंदर एंट्री लेते देखने को मिलेगी। कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, उसको बस मार्केट के अंदर लिस्ट करना है। इसके साथ ही जो इंडस्ट्रियल रहेगा, जो इंडस्ट्रियल के अंदर काम को ज्यादा फास्ट करेगा, तो उसके अंदर देखिए रोबोट्स एंड ड्रोन्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। जो कंपनियां इस सेगमेंट के अंदर काम करती है 3D प्रिंटिंग के अंदर जो कंपनियां काम कर रही है उनके अंदर पैसा खर्च किया जाएगा। और न्यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी रहेगी उसके अंदर पैसा खर्च किया जाएगा। हेल्थ केयर के अंदर जो कंपनियां अच्छे स्टार्टअप कर रही है उसके अंदर पैसा खर्च किया जाएगा, जैसे ई फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी। इस फंड का नाम ही है इनोवेशन, तो जो भी कंपनियां ज्यादातर इनोवेशन करेगी उन कंपनियों के अंदर इस फंड के जरिए जो है पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे हमें उन कंपनियों के बारे में बताया जाता है जिनके अंदर इस फंड का सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला है। HDFC बैंक के अंदर सबसे ज्यादा इसका वेटेज रहेगा। उसके बाद जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसके अंदर इसका सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा। इसके बाद में जो ICICI बैंक है उसके अंदर इसका वेटेज रहेगा। तो यहाँ पे जितनी भी कंपनियां टॉप लेवल की आपको दिख रही है उनके वेटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन्हीं कंपनियों के अंदर फंड मैनेजर जो है ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हमें इस NFO की सभी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे देखिए जो ऑफर लाया जा रहा है वो ₹10 के ऊपर पर यूनिट के ऊपर लाया जा रहा है। स्कीम टाइप की बात करें ओपन एंडेड टाइप की स्कीम है। इस NFO की ओपनिंग डेट्स की बात करें तो 29 जुलाई 2024 में NFO ओपन होगा। इसकी अलॉटमेंट की बात करें तो 20 अगस्त को इसकी अलॉटमेंट आपको मिल जाएगी। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 12 अगस्त को ये NFO क्लोज हो जाएगा। कैटेगरी की बात करें फंड की कैटेगरी तो ये एक थीमेटिक टाइप का फंड रहने वाला है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको इसके अंदर अगर आप अप्लाई करना चाह रहे तो ₹5,000 की करनी होगी। इस फंड के अंदर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। फंड के रिस्क टाइप की बात करें तो वेरी हाई रिस्क के ऊपर ये फंड रहने वाला है। फंड के बेंचमार्क की बात करें तो ये फॉलो करेगा Nifty 500 को। तो आगे मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा ये आपको कहां से देखना है। ऑलमोस्ट मनीमिंट के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1% का एग्जिट लोड रहने वाला है। ये एग्जिट लोड तभी एप्लीकेबल होगा जब आप 1 साल के पहले पैसा विड्रॉ करेंगे। अगर आप 1 साल के बाद पैसा यहाँ पे विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर आप इस फंड के अंदर एंट्री लेना चाह रहे तो यहाँ पे आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी आप देख सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो ₹5,000 यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा और मिनिमम SIP आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ₹500 से इस फंड के अंदर आप अपनी SIP यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फंड के एलोकेशंस के बारे में बताया जाता है तो किस सेगमेंट के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाना है उसकी सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो उसकी डिटेल्स आके यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए SBI जो फंड इनोवेशंस रहेगा वो किन सेगमेंट के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर किया जाएगा, 28.979% यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड सेक्टर आएगा ऑयल गैस कंजप्शन
फ्यूल, तो इसके अंदर 9.027% पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यहाँ पे अगला पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर 8.5% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी के अंदर 7.49% तक यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे सेक्टरल एलोकेशन के बारे में भी फंड ने सारी चीजें बता के रखी, तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर आप सारी चीजें आके डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर नहीं मिलेगा, आप बड़ी बड़ी वेबसाइट के ऊपर जाके देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट कीजिएगा, आपको इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट के ऊपर इजिली मिल जाएगी। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव पर स्कीम के बारे में बताया जाता है, यानी इस फंड को लाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आप यहाँ पे सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जिस हम इंडेक्स की बात करें उस इंडेक्स को ये बीट कर पा रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए ईयर वाइज आप उसकी डिटेल देख सकते हैं, 5 साल में कितना रिटर्न मिला, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके के रिटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें फंड मैनेजर्स की डिटेल्स के बारे में बताया जाता है, तो इनके जो फंड मैनेजर रहने वाले वो मिस्टर प्रसाद रहने वाले। आप उनकी एजुकेशन देखना चाहते हैं तो बीटेक एमबीए इन्होंने करा हुआ है, और कब से ये एसबीआई के साथ काम कर रहे हैं उसकी डिटेल देख सकते हैं। सेकंड इनके फंड मैनेजर है मिस्टर प्रदीप जी, उन्होंने भी बीकॉम एमबीए करके रखा है फाइनेंस के अंदर, और इन्होंने यूएसए वगैरह के अंदर भी काम करके रखा है। जुलाई 2021 से ये एसबीआई के साथ काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इनकी जो है जर्नी के एक्सपीरियंस की बात करें तो इन्हें 18 साल का एक्सपीरियंस है और इन्हें 11 साल का एक्सपीरियंस है। ज्यादातर मैंने एसबीआई के फंड मैनेजर्स के अंदर यही क्वालिटी को नोटिस किया है कि जो भी एसबीआई के फंड मैनेजर रहते हैं या जो भी एसबीआई के फंड रहते हैं उन्होंने मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न्स निकाल के दिया है, तो आप इनके फंड मैनेजर्स के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी फर्म के साथ काम किया जैसे मॉर्गन स्टैनली, ऐसे कई सारे बड़े नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मनी मिंट आइडिया के ऊपर आप विजिट करिएगा और इस फंड के बारे में आप डिटेल्स में पढ़िएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है आपको सारी चीजें समझ आ चुकी होगी, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है ना तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। देन अगर आपको हमारी रिसर्च अच्छी लगी, देन ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप हमें मोटिवेट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए, धन्यवाद।